नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। आपको एक डायमेंशन में ही काम करना है, या एक्स में करो या वाई में करो या जेड में करो। अभी सीधी सी बात ये है भाई, देखिए आपके पास एक पाइप है, खाली पाइप, उसके अंदर दो बॉल चलानी है आपको भी ऐसे, ठीक है, विद वेलोसिटी सम वेलोसिटीज भी। अब स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ जाएगा, पाइप में रहेगा भाई, तो क्या आगे आगे जा सकता है? आपने फर्श पे बॉल को स्ट्राइक करवाया और सदा इस तरह भाग जाए ऐसे, वो क्या होगा, टू डायमेंशन होगा भाई, वन डायमेंशन नहीं होगा। तो मेरे को करवाना वन डायमेंशन, मतलब कोलिजन के बाद ही बॉडी कैसे चलेगी, स्ट्रेट ही चलेगी। ये पाइप वाला केस कर लेते हैं कि दो बॉडी हैं पाइप में चल रही हैं, स्ट्राइक करेगी पाइप में ही रहेंगी भाई आफ्टर कोलिजन भी, और कहाँ जाएंगी, आगे जा सकती हैं, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं तो फर्श पे बॉल आई, स्ट्राइक किया, ऐसे बिखर गई बॉल भाई दोनों तरफ, वो क्या है, वो टू डायमेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक वही बनने वाला, वो भी करेंगे, कर लोगे, पहले किसका करते हैं हम लोग वन डायमेंशन का करते हैं, ठीक है। तो वही केस करते हैं, लिख लीजिए, वी हैव टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, ऑफ मास m1 एंड m2 moving with velocity u1 and u2, moving with velocity u1 and u2 in the same direction। ये है भाई जो मैंने डायग्राम पहले बना था ना, वही डायग्राम, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, चल रही है भाई, ये मास m1 ले लेते हैं, मास m2, ये जा रही है विद वेलोसिटी u1, ये जा रही है विद वेलोसिटी u2, इन द सेम डायरेक्शन, लाइन सेम रखेंगे, यस और नो, कि वन डायमेंशन का केस कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे भाई? तो कोलिजन करवाने के लिए क्या चाहिए मेरे को, कम से कम u1 बड़ा हो u2 से भी, तभी कोलिजन कर पाएंगे, यस और नो। यहाँ पे क्या हो गया, कोलिजन हो चुका है भाई, ये ऑन द कोलिजन है, और ये केस क्या होगा नेक्स्ट वाला, ये आफ्टर कोलिजन होगा भाई, यस आर नो। बॉडी वही है, मास m1, मास m2, वेलोसिटी क्या हो चुकी है अब इसकी, v1 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी कितना हो चुका है v2, ठीक है। लेट v1 v2 आर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, v1 v2 आर द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होंगी, v1 v2 भी सही है, कर लोगे? तो अभी आपको सारी चीज़ें निकालनी है जो पहले आपको पता है, अभी कौन सा कोलिजन कर रहे हैं हम लोग, इलास्टिक, तो जितनी बिफोर वाली हैं सारी आफ्टर वाली के बराबर होनी चाहिए, यस आर नो। तो कैसे निकालोगे, पहले चेक करते हैं, लिख लीजिए, ये था अभी हमारा कोलिजन का कंप्लीट, ठीक है, दो बॉडी हैं वही कंप्लीट अरेंजमेंट है, पहले हम चेक करते हैं मोमेंटम को, चेक कर लेते हैं, तो लिख देते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम हो सकता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटीज, तो m1 u1 प्लस m2 u2 भी हो गया बिफोर कोलिजन की बात की हम लोगों ने, उसी तरह देखते हैं टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी, आफ्टर की वेलोसिटी कितना है, m1 v1 प्लस m2 v2, अगर इलास्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, बिफोर होंगी, सॉरी बराबर होंगी, तो क्या लिखोगे, टोटल लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर इसके बराबर होगा भाई आफ्टर के, आफ्टर कोलिजन भी सही है, बिफोर वाला कितना था भाई,
एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, सही लिखा है? इट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी में चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक तरफ हम ले जाते हैं यू वन वाले, एक तरफ ले जाते हैं यू टू वाले भी, ये सॉरी एक तरफ वन वाले एक तरफ टू वाले, ऐसा कर लीजिए। यहाँ पे टू वाले ले आओ, कितना आएगा एम टू यू टू, वहाँ से टू किसके पास है, माइनस एम टू वी टू, सही लिखा है, इज इक्वल टू एम वन वी वन माइनस एम वन यू वन भी, कर पाओगे? यहाँ से एम टू कॉमन आ रहा है, कितना आएगा यू टू माइनस वी टू इज इक्वल टू, यहाँ पे एम वन कॉमन हो गया, वी वन माइनस यू वन इक्वेशन नंबर सेकेंड भी, ठीक है? ये क्या है, इक्वेशन नंबर है सेकेंड। ये तो हो गया मोमेंटम के बारे में भी, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि वो भी कॉन्स्टेंट रहती है। तो क्या लिखोगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा, सिंपल है भाई, हाफ एम वन यू वन स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वेयर, सही लिखा है? और आफ्टर की कैसे बात करेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी कितना होगा भाई, सिंपल है, हाफ एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वेयर, कर लोगे? तो सिंपल है भाई, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, यहां पर लिखते हैं बिफोर किसके बराबर होगी, आफ्टर वाले भी, सही लिखा है, एनर्जी बिफोर कौन सी, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर के बराबर होगी, तो कर दो कितना आएगा, वन बाई टू एम वन यू वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू एम टू यू टू स्क्वेयर इज इक्वल टू वन बाई टू एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू एम टू वी टू स्क्वेयर, यहाँ से वन बाई टू कॉमन आया, यहाँ से वन बाई टू कॉमन आया, काट दें, तो मेरा इक्वेशन क्या बनने वाला है, एम वन यू वन स्क्वेयर प्लस यू टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वन वी वन स्क्वेयर प्लस एम टू वी टू स्क्वेयर, ओके? अब वही करते हैं भाई, एक तरफ वन वाले एक तरफ टू वाले इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ पे टू किसके पास है, एम टू यू टू स्क्वेयर, वहाँ से ले आए एम टू वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस तरफ वन वाले एम वन वी वन स्क्वेयर माइनस एम वन यू वन स्क्वेयर, एनी प्रॉब्लम भाई? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है अभी, एम टू कॉमन है, कितना आएगा यू टू स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, वहाँ से एम वन कॉमन है, वी वन स्क्वेयर माइनस यू वन स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर थ्री बना दूँ, इक्वेशन नंबर थ्री। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थ्री को टू से डिवाइड कर देते हैं, अभी डिवाइडिंग डिवाइडिंग थ्री बाई टू, डिवाइडिंग थ्री बाई टू, थ्री को टू से डिवाइड कीजिए, कैसे करोगे, थ्री कौन सी है, लेफ्ट का डिवाइड लेफ्ट के साथ, राइट का डिवाइड राइट के साथ, तो एम टू यू टू स्क्वेयर माइनस वी टू स्क्वेयर डिवाइड बाई एम टू यू टू माइनस वी टू, सही लिखा है? इसका देखिए एम वन वी वन स्क्वेयर माइनस यू वन स्क्वेयर डिवाइड बाई एम वन वी वन माइनस यू वन भी, कर पाओगे? कट गए, एम टू से एम टू, एम वन से एम वन भी। अब ये फार्मूला बन रहा है अभी, किसका फार्मूला है ये, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, क्या बनता है, वी टू प्लस सॉरी यू टू प्लस वी टू, यू टू माइनस वी टू डिवाइड बाई यू टू माइनस वी टू भी, सही लिखा है, इज इक्वल टू भी, कितना हुआ, कट गए, फार्मूला वी वन माइनस यू वन और वी वन प्लस यू वन
डिवाइड बाई वी वन माइनस यू वन। ओके, इसे काट दें, इसे ये काट दें, क्या बचा है, यहाँ पे बचा है यू टू प्लस वी टू इज इक्वल टू वहाँ पे वी वन प्लस यू वन। ऐसा करते हैं, एक तरफ v वाले एक तरफ u वाले भी, ठीक है। इस तरफ v किसके पास है, v2, वहाँ से लेके आएंगे तो इस तरफ u1 है माइनस u2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फोर बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर फोर। ओके भाई, देखो यहाँ पे एक चीज़ भी है भाई, इसको अगर इस नीचे डिवाइड करूँ ना कितना आंसर आएगा, v2 टू माइनस वी वन डिवाइड बाई यू वन माइनस यू टू इक्वल टू वन बचा वहाँ पे, ये सर ना डिवाइड करना आता ही नहीं, करता है वन इंटू दिस वैल्यू, कर पाओगे? तो वन किसका आंसर था, इलास्टिक कोलिजन का आंसर था। अभी ये क्या एक्चुअल में, इट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अभी v2 टू माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एनी प्रॉब्लम क्लास, कर पाओगे? वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन निकालना हो तो आफ्टर कोलिजन्स, ए का वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन्स भी। हम यूज करते हैं इक्वेशन फोर को भी, क्या था फ्रॉम इक्वेशन फोर, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, यही था। आपको किसका निकालना है, ए का, तो पूरी इक्वेशन से v1 निकालना है आपको, पूरी इक्वेशन से v2 खत्म कर दो तो v1 बच जाएगा, तो यहाँ से v2 का वैल्यू कितना होगा, अभी जैसे ले जाते हैं इसको u1 माइनस सॉरी v1 v1 प्लस का हो गया प्लस u1 माइनस u2 भी, कर पाओगे? इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, अभी पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या था कुछ याद है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, यही था। यस सर, नो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, तो यहां पे हुआ m2 m1 u v1 प्लस m2 v2 कितना है भाई, v1 प्लस u1 माइनस u2 इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सॉल्व करें इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। जल्दी चौक लेके आओ साइड के रूम से, गर्ल्स है इसमें। अब क्या करें भाई, एक तरफ मेरे को v1 ही निकालना है, v1 को छोड़ेंगे बाकी उस तरफ ले जाओ सारी चीज़ें, क्या करेंगे v1 को छोड़ेंगे या बाकी को उस तरफ ले जाइएगा, कैसे करोगे रब के, v1 कॉमन निकाल लिया मैंने, क्या बचा m1 प्लस m2, बाकी उस तरफ सर, अभी कहाँ पे उस तरफ क्या है पहले से, m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस v, किसको लेके जाएं, m2 u1 यू वन प्लस एम टू यू टू, सही लिखा है, चेक करो। अब देखो भाई कॉमन क्या क्या निकल रहा है, ये u1 वन यहाँ पे है, u1 वन यहाँ पे है भाई, u1 वन कॉमन निकाल लूँ, तो v1 m1 एम वन प्लस एम टू क्या कॉमन निकाल लेते हैं, u1 क्या बचेगा, m1 वन माइनस एम टू इन टू यू वन, सही है, m2 u2 m2 u2 डबल हो गया भाई, तो क्या है ये प्लस टू m2 u2, सही लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 भाई, ये मल्टीप्लाई में आके वहाँ पे डिवाइड में भी कितना बनेगा, m1 माइनस m2 u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 भी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन भी, वेलोसिटी ऑफ बी
आफ्टर कोलिजन भी, आफ्टर कोलिजन आपको बी का वेलोसिटी निकालना है आफ्टर कोलिजन्स। हम यूज तो वही करते हैं, हमारी इक्वेशन नंबर थ्री था, फोर्थ था, इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या थी भी, वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू यू वन माइनस यू टू, यस और नो? क्या निकालना है? वी टू निकालना है अभी, इस तरफ ले जाए यू वन को, वी वन को सॉरी, वी टू इज इक्वल टू वी वन प्लस यू वन माइनस यू टू, यस और नो? और वी वन हमने निकाल लिया कुछ देर पहले, वी वन ही निकाला था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वी वन, कितना वैल्यू था भाई, एम वन माइनस एम टू इन बाई एम वन प्लस एम टू इन टू यू वन प्लस टू एम वन यू वन एम टू यू टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू माइनस सॉरी प्लस यू वन माइनस यू टू, यही था। अब देखिए यहाँ पे U1 है और यहाँ पे भी U1 है, कॉमन आ सकता है, तो V2 इज इक्वल टू, कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या बचेगा देखिए, M1 माइनस M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 माइनस 1 इंटू यू वन लिख सकता हूँ, कॉमन निकालने के बाद 1 बचेगा यहाँ पे, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, U2, क्या बचना है, 2M2 U2 प्लस का वन यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस वन हो गया अभी, ठीक है अभी, एम वन प्लस एम टू माइनस वन इन टू यू टू भी सही लिखा है, चेक करो, यस और नो? एलसीएम ले लेते हैं, कितना बचेगा, वी टू इज इक्वल टू भी, एलसीएम कितना हुआ, एम वन प्लस एम टू भी, यहाँ पे M1 माइनस M2 प्लस M1 प्लस M2 सही लिखा है इनटू U1, यस और नो? ये यहाँ पे U2 नहीं आएगा, ठीक है, कर लोगे, समझ में आया भी, यहाँ पे U2 नहीं आएगा। अब देखिए प्लस यहाँ पे ले लो एलसीएम, कितना हुआ, एम वन प्लस एम टू कितना बचा भाई, टू एम टू माइनस होएगा पूरे के साथ, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस एम वन माइनस एम टू इंटू यू टू भी, ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या आंसर हुआ अभी, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पे M2 से M2 काट दें तो V2 इज इक्वल टू क्या बचा अभी, 2M1 U1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 भी, यहाँ पे M1 माइनस का है M2, 2M2 प्लस का माइनस M2 कितना हुआ भाई, M2 प्लस का माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इनटू U2, this is the velocity of B after collisions with